नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल ग्रीनएक्स में। आज की इस वीडियो में आपसे हम शेयर करेंगे, जी हाँ, कुछ ऐसे हार्डी प्लांट क्या सुपर हार्डी प्लांट जो कम देखभाल में और कम पानी में चल जाएंगे और आपको ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, जिससे आप लोगों का नॉलेज बढ़ सके। तो जानते हैं आइए कौन कौन से प्लांट हैं हार्डी जो आप जो है कम देखभाल में चला सकते हैं और आपके गार्डन में फर्स्ट क्लास चलेंगे, आपको ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ेगा। तो जो प्लांट हैं, सबसे पहले आता है कनेर। जी हाँ, ये हाइब्रिड और मिनिएचर दोनों आते हैं दोस्तों। इसको आप एक बार ला के लगा लेंगे कलम से तो ये आपके गार्डन को नहीं छोड़ेगा और आप इसको कम देखभाल में कम पानी में, इस प्लांट को आपको ज़्यादा केयर नहीं करना है, ना ही ज़्यादा खाद कंपोस्ट देना है। एक बार लगा देंगे तो ये जो है चलता रहेगा। खाली आप जो है इसको जो है कभी कदार थोड़ा सा काव डंग दे देंगे बहुत इसके लिए, साल भर में एक बार। बाकी ये सुपर हार्डी प्लांट है जो आपके गार्डन को खूबसूरती को बरकरार रखेगा। तो दोस्तों इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। अगला प्लांट है दोस्तों जेट प्लांट। इस प्लांट को लक प्लांट भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी छोटी छोटी 1 से 2 इंच की कटिंग आराम से लग जाती है, ग्रो हो जाती है। ये प्लांट भी इंडोर आउटडोर दोनों में चलता है, मई जून की गर्मी भी झेल लेता है आराम से। और इस प्लांट में आपको ज़्यादा देखभाल केयर नहीं करना है दोस्तों, फर्स्ट क्लास चलता है ये। इस प्लांट की आप बोनसाई बनाइए चाहे टोपियारी बनाइए, ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों इस प्लांट को आप एक बार लगा लेंगे घर में तो दोबारा ये फिर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, फर्स्ट क्लास चलता रहता है ये। और बहुत ही कम केयर में कम देखभाल में प्रोग्रेस होने वाला प्लांट है ये। बिगिनर भाई हमारे इस प्लांट को ज़रूर लगाएं, इसमें ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। तो इसके बाद जो अगला प्लांट है दोस्तों ये है गिलोय। जी हाँ, ये गिलोय वही लतर है जो अभी आप लोग कोरोना टाइम से गुजरे होंगे तो बहुत डिमांड थी इस प्लांट की। ये सुपर हार्डी प्लांट है, इसकी छोटी छोटी कटिंग भी आप लगा लेंगे किसी भी मौसम में तो ये फर्स्ट क्लास चल जाएगा। और इसमें इम्यूनिटी क्षमता बहुत होती है, यानी जो आदमी कमज़ोर है इसको यूज़ करे तो उसकी जो है इम्यूनिटी क्षमता बढ़ जाती है। और इसको बीज द्वारा भी लगा सकते हैं और कटिंग द्वारा भी। और इसको जो है आप लगाएं, और सुपर हार्डी प्लांट है ये, इसमें ना ज़्यादा आपको पानी देना है ना खाद देना है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसको, ये सुपर हार्डी प्लांट है, केयरलेस प्लांट है। इसके बाद अगला प्लांट है दोस्तों रोइयो, इसको बोट लिली भी बोलते हैं दोस्तों। ये मिनीचर और हाइब्रिड दोनों होता है, यानी बड़ा छोटा दोनों। इसमें सेटदार भी एक वैरायटी आती है और इसको आप एक बार लगा देंगे कटिंग छोटी सी तो ये फिर आपके घर को नहीं छोड़ेगा, आपके गार्डन को। और ये छोटे छोटे प्लांट डेवलप होता रहता है, बेबी प्लांट, और बढ़ते रहते हैं और कभी प्लांट ख़त्म नहीं होगा आपका ये। तो दोस्तों इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं, बहुत ही प्यारा कलर इस कॉम्बिनेशन है पर्पल प्लस ग्रीन का, जो दूर से बहुत अच्छा लगता है। बिगनर भाई हमारे इस प्लांट को ज़रूर लगाएं और इस प्लांट की वजह से आपके गार्डन में हरियाली बनी रहेगी और आपको ज़्यादा केयर नहीं करना इस प्लांट की। तो दोस्तों इस प्लांट को आप लगाने से ना चूकें, बहुत अच्छा प्लांट होता है ये। अगला प्लांट है दोस्तों मिनी कामनी, इसको मधु कामनी भी बोलते हैं। और इसमें सफ़ेद फूल खिलते हैं 5 पत्तियों वाले और पूरी ग्रीनरी बनी रहती है, आप चाहे छोटे पॉट में लगाएं या बड़े पॉट में। और इसमें जो है सीड भी बनता है, आप एक बार इसको लगा लेंगे सीड द्वारा, जर्मिनेट कर लेंगे तो ये डेवलप होता रहता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही बढ़िया होता है ये। बिगिनर भाई हमारे इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप इस प्लांट में ज़्यादा केयर नहीं करना है, ना खाद देना है ना पानी देना है, ये अपने आप चलता रहता है। अगला प्लांट है दोस्तों नैंथरा, ये अल्टरनेटर भी बोलते हैं इसको। और ये 3 से 4 वैरायटी कलर आती है इसमें। और ये देखिए ग्रीनरी कितनी बढ़िया बनी हुई है इसमें, शेडेड भी आती हैं और रेड कलर भी आता है। तो आप इसकी छोटी छोटी कटिंग लगाएंगे, आपको फिर इसमें दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बहुत फर्स्ट क्लास चलता है ये प्लांट। तो दोस्तों इस प्लांट को एक बार लगा लेंगे फिर आपको दोबारा केयर नहीं करना पड़ेगा, आपके गार्डन में बना रहेगा ये। और जितना चाहे उतना बाटिए आप कटिंग करके लगा के डेवलप करके, और आपके गार्डन में फूल ना हो तब भी पत्तियों से देख के आपकी तबीयत खुश रहेगी देख करके। तो दोस्तों इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद अगला प्लांट है दोस्तों साइप्रस का, इसमें हरियाली बनी रहती है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है दोस्तों। ये कटिंग द्वारा भी लग जाता है, ऑनलाइन इसके सीड मंगा के आप ग्रो कर सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा टाइम प्रोसेस ज़्यादा लगता है। और इसके फ़ायदे ये हैं कि ये जो है ज़्यादा चलता है,
और ज़्यादा केयर नहीं करना आपको, कम देखभाल, कम पानी में चलने वाला प्लांट है ये, बहुत बढ़िया प्लांट होता है दोस्तों ये। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएँ, लापरवाही ना करें। अगला प्लांट है दोस्तों स्नेक प्लांट, इसको सेंसुवेरिया भी बोलते हैं। इसकी मिनी एचआर प्लस हाइब्रिड दोनों प्रजाति आती है, छोटी बड़ी दोनों। आप इसको लीफ द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं और इसके बेबी डिवाइड करके बेबी प्लांट भी आप ग्रो कर सकते हैं। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, सुपर हार्डी प्लांट होता है दोस्तों ये, नासा द्वारा प्रमाणित ये नंबर एक पे है जो ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं, अपने बेडरूम में रखें खासतौर से, क्योंकि आजकल ऑक्सीजन कम हो रही है। इसके बाद अगला प्लांट है दोस्तों थूजा भी बोलते हैं, इसको मोरपंखी भी कहते हैं, और बहुत से लोग इसको विद्या की जो है प्लांट भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें जो है कटिंग भी लगा सकते हैं, मगर कटिंग जो है 100% ग्रो नहीं होती, इसमें आप सीड बनता है, ब्राउन सीड हो जाए, उसको आप जो जर्मिनेट करके लगा दें, एक से डेढ़ महीने में प्रोपोगेशन हो जाता है, तो आपके नए प्लांट बन जाएंगे। और आपको जो है इस प्लांट में ज़्यादा केयर नहीं करना है, बस थोड़ा सा जो है मई जून की गर्मी बचा लीजिए बस। अगला प्लांट है युक्का का, ये ना के बराबर पानी चाहिए इसको, एकदम ना के बराबर, देखभाल इसकी कम है बहुत करनी, और ये हार्डी बना रहता है, मई जून की गर्मी भी ये झेल लेता है फर्स्ट क्लास। जी हाँ, हमारे बिगनर भाई इस प्लांट को ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में, आपको इसमें करना कुछ नहीं है, खूबसूरत तो बहुत रहता है, 3 से 4 वैरायटी में आपको ये मिल जाएगा नर्सरी में। तो जो हमारे बिगनर भाई शुरुआत करना चाहते हैं गार्डन से, इस प्लांट से शुरुआत करें, बहुत बढ़िया प्लांट होता है ये, बहुत स्लोली चलता है ये, तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद अगला प्लांट आता है दोस्तों फाइकस का, ये भी प्लांट केयरलेस लो मेंटेनेंस प्लांट है, आपको इसमें ज़्यादा देखभाल नहीं करना है, और हरियाली इसमें बनी रहती है, इस प्लांट में मई जून की गर्मी भी झेल लेता है आराम से दोस्तों। दोस्तों इस प्लांट को आप जो है एक बार कटिंग से लगा के ग्रो कर लेंगे तो दोबारा ये फिर जो जल्दी ख़राब नहीं होता, इसमें मानसून में स्टेम में रूट निकलती रहती है, आप डिवाइड करके लगा सकते हैं, बड़े आराम से प्रोपगेट हो जाता है ये। अगला प्लांट है दोस्तों अगेओ का, इस प्लांट में आपको 4 से 5 वैरायटी देखने को मिल जाएगी, सुपर हार्डी प्लांटों में आता है ये भी नंबर वन पे, मई जून की कड़क गर्मी जो है झेल लेगा, कम पानी चाहिए इसको, खाद इसमें ना के बराबर चाहिए इसको, और कभी कदार हो सके तो आप इसमें जो है थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो बहुत इसके लिए, यानी ये मरुस्थली प्लांट है और बिगनर प्लांट भाइयों के लिए बहुत बढ़िया प्लांट है ये, जो गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, बहुत ही फर्स्ट क्लास प्लांट है ये, कई वैरायटी में आता है, 3 से 4 वैरायटी मिल जाएगी आपको, कलर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में, लगा के इसको ऐड करें और गार्डन को हरा भरा रखें। दोस्तों इसके बाद प्लांट आता है हैप्पीनेस का, इस प्लांट का नाम ही है सुख शांति प्लांट, और इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा के आप ग्रो कर सकते हैं, और इसको भी पानी वगैरह कम चाहिए, फर्स्ट क्लास चलता है दोस्तों ये। और बिगनर भाई हमारे शुरुआत करना चाहते हैं तो ये प्लांट ज़रूर लगाएं, हरियाली बनी रहेगी, घर में सुख शांति भी बनी रहेगी, और इसको पानी कम चाहिए, खाद भी कम चाहिए, ना के बराबर, यानी केयरलेस लो मेंटेनेंस प्लांट है दोस्तों ये। और इसके बाद दोस्तों अगला प्लांट आता है रोज़, यानी गुलाब फूलों का राजा है, ये भी जो है लो मेंटेनेंस प्लांट है, आपको ज़्यादा केयर नहीं करना, देखभाल नहीं करना है, इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं और अपने गार्डन में ऐड करें, उसके बाद कटिंग लगा के ग्रो करते रहें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और हाँ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। कल मैं फिर मिलूँगा दोस्तों एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, और हाँ दोस्तों बच्चों को भी मोटिवेट करते रहिए प्लांट लगाने के लिए, क्योंकि हमारे पृथ्वी पे ऑक्सीजन की कमी बहुत हो रही है धीरे धीरे, और प्लांट अगर आप लगाते रहेंगे घर में भी थोड़ा सा तो सपोर्ट मिलेगा ऑक्सीजन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।